जब आप इंडिया आएंगे सर तो आप मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोगों से मिलेंगे। ड्राइवर, I'm sorry, तुम्हारा नाम क्या है? सर बलराम सर। बलराम रहने दो यार, नो प्रॉब्लम, सीरियसली कोई जरूरत नहीं है। ये तो मेरे वाला सॉन्ग है, वॉल्यूम बढ़ाओ। मालिक को खुश करने की चाह हमें इस तरह ढाली जाती है कि हम सही और गलत का अंतर ही भूल जाते हैं। सर आपको ओलंपिक्स में खेलना चाहिए सर। आप महान आदमी हैं जो इस देश में बहुत महान काम करेंगे सर। तुम्हारा इस तरह हमारे लिए काम करना मुझे ठीक नहीं लगता है। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? सेवा करना आपका और अशोक सर का। नहीं, ये गलत है। तुम ये मान भी कैसे सकते हो? वो अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी? वो अमीर आदमी है। याद है मैंने कहा था हिंदुस्तान में सिर्फ दो जातियां हैं, पहली जिनका पेट बड़ा है और दूसरी जिनकी भूख। मैं मुर्गे के पिंजरे में फंस चुका था। और ये मानने की भूल मत कीजिएगा कि रातों रात करोड़पति वाला शो जीतकर इस पिंजरे को तोड़ा जा सकता है। तुम मेरे ड्राइवर हो? हम तो बस वही हैं जो जग चुके हैं, जबकि बाकी सब सो ही रहे हैं अब तक। इस पिंजरे को तोड़ने का एक ही तरीका है, और ऐसा कोई आदमी नहीं बल्कि वो अनोखा जानवर ही कर सकता है जो कई पीढ़ियों में एक बार जन्म लेता है, द व्हाइट टाइगर। ये आने वाला वक्त आपका और मेरा है, तो बाकी सबको बस भगवान ही बचाए।